आदर्श विद्या मंदिर के स्टूडेंट्स एक दिवसीय स्टडी टूर पर है। वे आज स्टेट आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स म्यूजियम का दौरा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्या आप भी यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं? चलो हम भी उनके साथ चलते हैं। स्टूडेंट्स, म्यूजियम के अंदर शोर नहीं करना। जिस किसी के पास भी कोई प्रश्न हो तो अपना हाथ उठाना, मैं तुम्हारे पास आऊंगी और हम तुम्हारे प्रश्न पर चर्चा कर सकती हैं। क्या यह स्पष्ट है? यस मैम। बहुत अच्छे। आओ अब एक पंक्ति में चलते हैं और प्रदर्शित की गई इन खूबसूरत कलाकृतियों को देखते हैं। मैम, यह पेंटिंग किस बारे में है? इसमें इंसानों को इतने अलग तरीके से क्यों दर्शाया है? यह कलमकारी पेंटिंग है। कलमकारी में इंसानों को इसी तरह दर्शाया गया है। देखो, पेंटिंग के नीचे वर्णन लिखा हुआ है। मैम, क्या ये वही प्रिंट नहीं है जो कपड़ों पर छपते हैं? मेरी माँ के पास इसी प्रिंट की कुछ साड़ियाँ हैं। अच्छा अवलोकन किया है रिया। हाँ, इन पारंपरिक पेंटिंग शैलियों में से कई का उपयोग अब अन्य उद्योगों जैसे फैशन उद्योग या कटलरी या बर्तनों पर, दीवार पेंटिंग और अन्य वस्तुओं पर भी किया जा रहा है। विभिन्न वस्तुओं पर हम जो भी प्रिंट देखते हैं वे किसी न किसी कला रूप के होते हैं। ओह, ये तो दिलचस्प है। मैं हमेशा इन्हें अच्छी ड्राइंग कहूँगा। हाल ही में मैंने अपनी बहन की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारे दुपट्टे पर अच्छी ड्राइंग है। मैं कभी नहीं जानता था कि कला के कई रूप हो सकते हैं। मैम, इसे क्या कहते हैं? इस तरह की एक चीज मेरे घर पर है। इससे हमने अपने लिविंग रूम को सजाया है। हाँ, यह प्रसिद्ध एप्लिक वर्क है। यह ओडिशा का एक प्रसिद्ध कला रूप है। रेणुका मैम, मुझे लगता है कि जब हम स्कूल वापस जाएं, तो हमें स्टूडेंट्स के साथ विभिन्न पारंपरिक कला रूपों पर चर्चा करनी चाहिए। जरूर सर।